सही करने की कोशिश करते करते मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। काश मैंने अभिनव को सब सच बता दिया, मुझे खुद बाद में पता चला मां कि मैं अभिनव से प्यार करता, रूही से तो मुझे कभी प्यार था ही नहीं। गलती मेरी है, ये गलती मैंने जानबूझ के नहीं की। जब कोई से मिला तो वो मुझे अपने जैसी लगी, समझने लगा कि वो सचमुच में मेरा प्यार है। वो मेरा प्यार नहीं था, वो प्यार नहीं था, वो तो बस इन्फैचुएशन थी। सोचता हूं तो लगता है कि मेरे दिल ये बात पहले ही समझ गया, समझने में घर में इतना कुछ हो रहा था, सब लोग मुझसे नाराज रहते थे, पर रूहिन चला गया। हर दिन घर में झगड़े हो रहे थे, कबीरा के लिए सबसे लड़ा, उससे भी लड़ा, पर ये नहीं समझ पाया कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं तलाक हो गया था, तब भी मैं अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाया, और जब कुछ समझता उसके पहले मन बना चुकी थी कि मेरी शादी रूही से ही। तो अरमान को हुआ है अपनी गलती का एहसास। जी हाँ, शो में आप आगे देखेंगे कि अभिरा को अरमान और रूही के प्यार के बारे में पता चल गया है, और अभिरा अरमान से बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। उससे इसी बात का बुरा लगा है कि अरमान ने उससे ये बात छुपाई। अरमान को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसे बुरा लग रहा है इस बात को लेकर कि अभिरा उससे इस कदर परेशान है, और साथ ही साथ अरमान बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, जहां विद्या उसे संभालने की कोशिश कर रही है। खुशी रूही से है और रूही तुझसे शादी करना चाहती थी, इसीलिए तो मैंने मासा से तुम दोनों की बात की। लेकिन इस बार मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। मैं जानती हूँ कि अभिरा बहन ही सही नहीं है, लेकिन वो लड़की जिद्दी है, स्वाभिमानी है। कुछ कुछ भी हुआ है उसके बाद उसका तेरे पास वापस आना मुश्किल है। Wait.